हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से एक प्यारा सा नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियो हो सकती है एंड सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें रहने वाला है, तो आप इसमें डिटेल में भी समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्राइटेरिया वगैरह रहने वाला है? फर्स्ट, इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नेक्स्ट, इसमें आपके लिए पोस्ट कौन कौन सी रखी गई, तो कैबिन क्रू के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग वेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट किया गया है। कैबिन क्रू के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। कैडेट पायलट, इंजीनियर, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड सिक्योरिटी की भी इसमें पोस्ट रहने वाली है, तो टेंथ पास तो ऑब्वियसली अप्लाई कर ही पाएंगे। स्क्रीनर ऑफिसर, टेक्नीशियन ऑफिसर, ट्रेनी, मैनेजर की पोस्ट इसमें रहने वाली। अप्लाई करने का मोड जो है वो आपका ऑनलाइन रखा जाएगा। सिलेक्शन किस तरीके से होगा? सिलेक्शन के लिए जैसे कि आपको पता है वॉक इन इंटरव्यू के लिए इसमें क्या है, कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा आपका, और आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया जाता है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो उससे रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन है। सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सैलरी कितनी रहेगी? तो सैलरी जो है आपकी 37,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, प्लस इसमें जो सैलरी है धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, और एयरलाइंस में मतलब कि इंडिगो का ठीक ठाक सैलरी का पैकेज रहता है। जॉब आपकी किस तरीके की रहने वाली है? तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर है, तो भी आपको ठीक ठाक वहाँ पे जॉब मिल जाएगी, पर वो एक्सपीरियंस वालों को फर्स्ट प्रेफर करेंगे, उसके बाद फ्रेशर्स, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला बंदा तो एक्सपीरियंस वाला ही है। नेक्स्ट, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो आपकी कम से कम जो एज है 18 साल होनी चाहिए, और इसमें जो आपके एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी है, रिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाली है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। आपसे क्वालिफ़िकेशन कितनी मांगी गई है? तो अगर आप टेंथ पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्वेल्थ पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और वो भी आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, लाइक अगर आपने आर्ट्स कर रखा है, साइंस साइड से कर रखा है, और अगर मैं बी कॉम कर रखा है, बीपीटी, मतलब कुछ भी कर रखा है आपने, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी मैंने बस आपको किया है, अगर आप कैबिन क्रू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी आप इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह स्किल्स पर ध्यान दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए।